हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पोलर मैथमेटिक्स क्लासेस। हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, अब इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स देखो। तो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो भी लाइन्स के कॉन्सेप्ट थे वो देख रहे हैं। पहले लास्ट वीडियो में हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जैसे कि स्लोप ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइंस, उस लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म्स, उसके बारे में डिस्कस किए थे। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ये क्या होता है। ठीक है, सपोज मेरे दो लाइंस है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस है, तो वी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो। दो पैरेलल लाइंस है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। दो पैरेलल लाइंस कब होते हैं, दे आर डिफर कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ के एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट सेम या प्रोपोर्शनल होते हैं। देखो दो पैरेलल लाइंस है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो प्लस फार्मूला है डिस्टेंस डी इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल है, देखो सी टू माइनस सी वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो लाइंस है इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको, एक फार्मूला यूज करना है डी इक्वल टू हमारा सी टू माइनस सी वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ रहा है, एग्जाम्पल देखो, सपोज मेरे दो लाइन्स है, जिसको भी 2x plus dy plus 5 plus 0 and again 2x plus dy plus 7 plus 0। दो लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है, डिस्टेंस निकालना है। देखो क्या है भाई, ये तो ये b बन रहा है, a मतलब कितना आ रहा है यहाँ पे 2, b कितना है 3, c1 कितना है देखो 5, c2 7। ठीक है, अब मुझे देखना है क्या बनेगा, तो डिस्टेंस d इक्वल्स टू c2 माइनस c1, c2 देखो क्या आ रहा है 7 माइनस c1 कितना है 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a कितना है 2, स्क्वायर विल बी 4 प्लस b स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, क्या आ रहा है इनको 7 माइनस 5 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन कैसे निकालते हैं, आगे देखो समझ चुके होंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ठीक है, 11 का टॉपिक था, मैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं। ठीक है, अभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। और देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, सपोज एक पॉइंट है जिसको भी लाइन का सपोज एक समय है, लाइन है सपोज एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस टू सी हो जाए काम लाइन का अपना, एक लाइन है, एक पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दी लाइन ये निकालना है डी। ठीक है, फॉर्मूला आया है डिस्टेंस डी इक्वल्स टू पढ़ा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ रहा है क्या करता है, लाइन का जो भी इक्वेशन है यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, जैसे कि ए एक्स वन फर्स्ट पॉइंट अपना एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करना है, वाई की जगह वाई का पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है, लाइन का बाकी का इक्वेशन एडिट हो जाएगा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक एग्जांपल देखो, सपोज एक पॉइंट है उसको भी टू पावर थ्री क्या बोलना है उसको एक्स वन वाई वन बोलना है, एक लाइन का इक्वेशन है सपोज 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, एक लाइन है। ठीक है, एक पॉइंट ए लाइन, इसका डिस्टेंस निकाल, देखो क्या है हमारा डिस्टेंस b इक्वल्स टू बताओ a कितना है यहाँ पे 3a, और b कितना 4, c 7, x1 कितना बन गया 2, x2 कितना, सॉरी y1 कितना 3, यहाँ पे रखना है तो क्या आएगा 3 इंटू एक्स वन मतलब 2 प्लस ए बी अपना कितना है 4 इंटू वाई वन अपना 3 प्लस सी कितना है 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना है देखो 3 स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 4 स्क्वायर
16, कन्वर्ट करो इसको, बिल्कुल सिंपल। देखो क्या आ रहा है, 3 2 6 4 5 प्लस 4 3 12 प्लस 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्या है 25। देखो क्या हो रहा है, देखिए 6 7 12 18 होता है, ठीक है 18 और ये 7 कितना 25। अपॉन ए 5 से 5 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
ठीक है, तो राइट कुछ कॉन्सेप्ट थे बेसिक। अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं पेयर ऑफ स्टेट लाइन, पेयर ऑफ स्टेट लाइन। लाइन को समझ चुके होंगे, अभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर मतलब जोड़ी होता है भाई दो लाइन से, ऐसा कंबाइन इक्वेशन आएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ेंगे इसके बाद। इसके पहले फर्स्ट कंसेप्ट देखो, कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स, कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है, देखो सपोज मेरे दो लाइन्स है कुछ तो भी, कंबाइन इक्वेशन क्या होता है देखो, पहले let u equals to 0 and v equals to 0 are any two lines, okay, u equals to 0 and v equals to 0 are any two lines, then their combined equation will be, combined equation is joint equation we bol sakte hain, joint equation u into v equals to 0, samajh rahe ho, two lines hai apne kuch to u equals to 0 and v equals to 0, then their combined equation will be product n i n, simple as to u into v equals to 0, samajh rahe ho। अब देखो ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन क्या बता है, ठीक है, एक कौन से भी लाइन है तो इसका कंबाइंड इक्वेशन, इसका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। देखो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अब देखो मेरे दो लाइंस है समझो, सपोज u फर्स्ट लाइन है a1x plus b1y, ठीक है, इक्वल टू जीरो फर्स्ट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यहाँ पे कॉन्स्टेंट अपसेट होता है, इसकी अपसेट होता है कभी जाते हैं उसका बोल सकते हैं कि ओरिजिन में जाए। और दूसरा लाइन सपोज ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस टू जीरो, दो लाइन है यू एंड फी, ज्वाइंट इक्वेशन क्या होता है, ज्वाइंट इक्वेशन हमने आपको बताया था यू इन टू फी प्लस टू जीरो, इसका प्रोडक्ट लेगा, देखो प्रोडक्ट क्या आएगा इसका, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इंटू ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल्स टू जीरो, प्रोडक्ट लेना है बिल्कुल सिंपल है, क्या आएगा प्रोडक्ट देखो यहां से मल्टीप्लाई करना है, ए वन ए टू एक्स इंटू एक्स क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए वन बी टू एक्स इंटू वाई बनेगा ये एक्स वाई प्लस अभी बी वन वाई से मल्टीप्लाई करना है, सो बी वन ए टू एक्स इंटू वाई से एक्स वाई अगेन बी वन बी टू y into y ये मिलेगा y square, समझ रहे हैं बिल्कुल, मैंने प्रोडक्ट किया है इसे, सपोज आगे थोड़ा इसको सिंपलीफाई करो, a1 a2 x square plus अब ये जो दो टर्म्स है इसमें से x y कॉमन निकल सकता है, x y कॉमन निकालना है क्या बनेगा ये a1 b2 plus b1 a2 x y को कॉमन, x y कॉमन निकाल लिया मैंने यहां से b1 b2 y square plus 0, अभी a1 a2 b1 b2 अगर कुछ पर्टिकुलर नंबर्स आते हैं तो इसको कुछ ना कुछ होके एक नंबर आएगा, मैं अजूम कर रहा हूं सपोज कि ये जो ए वन ए टू है इसका प्रोडक्ट कुछ तो भी ए है, सपोज अजूम कर रहा हूं, और ये जो टर्म्स है हमारा ए वन बी टू प्लस बी वन ए टू, इसके लिए मैं टू टाइम्स कुछ तो भी एच ऐसे अजूम करता हूँ, टू टाइम्स एच, और यहाँ का जो बी वन बी टू है इसके लिए मैं अजूम कर रहा हूँ बी, समझ रहा है, देखो ए वन ए टू के लिए मैंने क्या अजूम किया ए, ये दो टर्म्स के इसमें टू टाइम्स एच ऐसा अजूम किया, बी वन बी टू बी, तो ये वो इक्वेशन बिकम ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दो लाइन्स है ओरिजिन से पास हो रहे हैं, इसका जॉइंट इक्वेशन
स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो एंड दिस इज दी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू। अभी होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है भाई, ठीक है, होमोजीनियस मतलब ईच टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए, जिसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर मतलब डिग्री कितना बन रहा है टू, यहाँ पे वाई स्क्वायर डिग्री कितना आ रहा है टू, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, इसका और एक इसका एक कितना बन रहा है दो, इसका भी डिग्री टू है। अगर आपके इक्वेशन में सब टर्म का डिग्री अगर सेम आता है तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, एंड अगर होमोजीनियस इक्वेशन तो है यहाँ पे और सबका डिग्री टू आ रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू। तो याद रखना है आपको ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू दी ओरिजिन इट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू। समझ रहे हैं आपको ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, आपके दो लाइंस है यू फी, ज्वाइंट इक्वेशन क्या होता है यू इंटू फी इक्वल्स टू जी। और एक छोटा सा थ्योरम था अपना कि जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, अगर ओरिजिन में से दो लाइन जाते हैं तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जी। जॉइंट इक्वेशन का एक सिंपल एग्जाम्पल देखो, जॉइंट इक्वेशन का सपोज मेरे दो लाइन्स है उसको भी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो आर रिलेटेड टू बैलेंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जॉइंट इक्वेशन क्या है इसका, ठीक है, सपोज ये यू है ये वी है तो प्रोडक्ट क्या है यू इंटू वी इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, उसका प्रोडक्ट ले सकते हैं या अपना बेसिकली फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका जॉइंट इक्वेशन है, दो लाइन्स के इक्वेशन है और कुछ इसका जॉइंट इक्वेशन निकालना है तो डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट लेना है दैट इज u इनटू v इक्वल्स टू g, तो ये जॉइंट इक्वेशन है। ठीक है, तो आज के लिए यहां रुकते, अभी आगे का जो भी पार्ट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज के यहां रुकते, थैंक यू फॉर वाचिंग।